देखिए कैसे प्यारी लग रही है, वाह। यार दोस्तों ये क्या हो गया, सुबह का टाइम हो गया है। तो ये देखिए ये हमारी दो नई बकरियां खाना खा रही है। और यार दोस्तों रात इतनी बारिश आई, इतनी बारिश आई यार दोस्तों, बहुत ज्यादा बारिश आई। अल्लाह माफ करे, मैं तो बहुत डर गया था यार, इतनी बारिश आई। ये जगह सारा, ये जगह भी गीली हुई हुई, देखिए सारे अंदर गीली हुई है जगह, बस प्योरे की जगह बची हुई है क्योंकि ऊपर से सारा पानी गिरता रह गया है। ये देखिए असनैर भाई चारपाई को ऊपर रखने गए हुए हैं ताकि ये जगह साफ साफ रह जाए और इसको अच्छा खासा इस जगह बनी रहे। ये देखिए इसको भी हमने शीबी को बांध दिया है, ये बहुत तंग कर रही थी। हाँ जी जी क्या है, आपके दोस्त दो आई हुई है, इनके साथ आप एडजस्ट हो जाओ। ये क्या कर रहे हैं, वो देखे चलो डाउ, वो देखे चिड़ियों के घर में चला गया है, पता नहीं वो क्या कर रहा है। वो देखे दोस्तों इसके काम देखे, यार इसके तो सारे इसके अंदर पानी भर गया होगा। शर्ट यार हाँ इसका तो ऐसे ही हुआ होगा, इसके अंदर तो सारा पानी होगा यार, इसके अंदर मुझे जाना पड़ेगा दोस्तों। तो ये देखिए यार ये तो काम खराब हो गया है यार दोस्तों, यार रात जोर से बारिश आई है। मैं अभी आपको अंदर भी दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है यार रात बहुत ज़्यादा बारिश आई जिसकी वजह से सारा अंदर पानी आ गया, मास्टर केज के अंदर भी सारा पानी ही पानी है। तो यार दोस्तों मैं इसकी सफाई करता हूँ, देखता हूँ क्या क्या अंदर की सूरत हाल है। तो मैं मास्टर केज के अंदर आ गया हूँ, तो ये देखिए दोस्तों इसके अंदर भी सारा पानी भरा हुआ है क्योंकि बारिश रात बहुत तेज़ हुई थी। इसकी छत का भी कुछ करते हैं मास्टर केज की। ये देखे मैंने इस पौधे को पानी दे दिया भाई, यार ये तो घोंसला बना रहे थे बेचारे, इनका घोंसला भी ख़त्म हो गया। यार आपके लिए कोई अच्छे से सेटअप बनाते हैं डाव के लिए, इन्होंने भी आप अंडे दे रहे हैं। और यार दोस्तों इसका देखते क्या हुआ है, यार इसके अंदर तो सारा पानी ही पानी होगा यार। हसनैन भाई यार इसको उधर से देखना जरा, हाँ ये देखिए इसका भी एक अंडा है बेचारा, वो भी गीला हुआ है। यार दोस्तों ये क्या हो गया, ओए ओए ओए। ये तो अब खराब हो गया होगा, नहीं ये आपने छूटते, फ्योरा ने एक बार छूट गई थी, दो चूजे हमारे मार दिए थे, लेकिन अब इसको साथ पक्का काम हुआ है। यार कोई देखो कोई कपड़ा वगैरह पड़ा है, कोई खुश कपड़ा हो इसको उधर साफ कर दो। अड्डे में से आप बच्चा निकलेगा कि नहीं, यार ये तो गीला हुआ है सारा दोस्तों। यार ये फिज का घोंसले पर नई जो चिड़िया आई थी उन्होंने कब्जा कर लिया था, तो इसके अंदर अड्डे तो थे इसके, आप पतरे अड्डे किधर गए, अड्डे सारे गुम। अब इसके अंदर अड्डे नहीं दिख रहे, अड्डे मुझे लगता है इन्होंने तोड़ दिए होंगे, और चिड़िया जो आई थी ये जो बड़ी चिड़िया है तो इन्होंने अड्डे तोड़ दिए होंगे। ये हो गया खुश्क, तो यार वो थोड़ी सी पराली बल्कि वो तो वाइट डाल दिए होंगे कैसे। ये हमने इसके लिए फिर लगा दिया, और इस मटके में से थोड़ा सा वो इसको क्या कहते हैं कचरा वगैरह पड़ा था तो इसके अंदर डाल दिया, और अड्डा भी इसके अंदर अब रख दिया। यार अल्लाह करे ये फिर बैठ जाए अपनी जगह पर, इन बेचारों को जगह फिर पसंद आ जाए। यार ये आपका आप घर, यहाँ पर बैठो, चलो डब इधर आ जाओ। तो ये जगह दोस्तों ये हमने उसको यहाँ लगा दिया, लेकिन ये अभी उनका जहन वहीं पर है, ये बेचारे वहीं पर बैठे हुए हैं, और इन्होंने शायद आज और अंडा देना भी है। यार अब आपकी जगह वो है, आप उधर चले जाओ, यार आप उधर चले जाओ हसनैन भाई। तो यार इसको कैसे देना पड़ता है, इसके अंदर से पानी निकाल ले या पानी समेत देना पड़ता है, पानी समेत।
तो फिर इसको देगची के अंदर ही अभी दे दो। ये भी दोनों बंद, इनको भी बांध दिया है हमने। क्या देख रही हो जी, क्या देख रही हो? अभी इनका घास भी ले आते हैं, मुझे लगता है इनको भूख लगी हुई है, क्योंकि ये घास कल का पड़ा हुआ था तो रात बारिश आई है, फिर घास भी सारा खराब हो गया। ये देखिए, ये देखिए कितने प्यारा खा रहे हैं रैबिट। ये देखिए दोस्तों कितने प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह वो कितने ही प्यारे लग रहे हैं। फ्योरा को अभी बाहर ले चलते हैं, तो इसमें वॉशरूम करना है, ये वॉशरूम कर ले, उसके बाद चूजों को खोलेंगे। तो अभी फ्योरा को खोलते हैं। फ्योरा का क्या खा रही हो? मुझे लगता है ये जो हमारे कर्बलाई है ये भी अंडे देने पर आए हुए हैं, क्योंकि कल मैंने देखा था इसकी फीमेल जो है घोंसला बना रही थी। आपको बाद में मैं खोलूंगा, पहले मैं फ्योरा को खोल दूं। तो ये देखिए दोस्तों घास आ गया है। हाँ ऐसे करते हैं, इसको बाहर फेंक देते हैं। तो उसके बाद इसको, ये कल वाला घास है ये आज गए ले आए हो? चलो फिर फ्रेश होगा। ये देखिए ये दोनों को घास डाल दिया है, ये घास खा रही है। तो दोस्तों ये घास खा रहे ले, तो उनके बाद इनको बाहर घुमाने ले चलते हैं, क्योंकि ये कल रात भी बाहर नहीं गए। चलो भी घास खाओ, क्योंकि रात बारिश हो। आपके लिए ये है, ये देखिए ये खल है, ये बकरियों के लिए आती है, ये लो खाओ। मुझे लगता है इसमें से पानी थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, ज्यादा पानी है। खाओ यार खाओ, शिवी खाओ, मैं इसमें से पानी निकाल लेता हूँ, तो उसके बाद इसको खिलाता हूँ। यार ये टोकरी रखी है, इसके अंदर डाल देता हूँ, पानी खुद ब खुद निकल जाएगा। चलो जी आओ, ये लो। लो जी खाओ, शिबी ये लो आपके लिए, खाओ। आप खा रही है, खा रही है, माशाल्लाह। दोस्तों फ्योरा को हम भाई ले आए, तकरीबन ये दो दिन के बाद भाई आई है, फिर ये बहुत ज्यादा भाग रही है, ये बहुत ज्यादा भाग रही है, मुझे भी थका रही है। चलो भाई वॉशरूम कर लो, अब इसके काफी सारे बाल उतर गए हैं। ठहर जाओ भाई, हमने निकाल दिया है। ये देखिए ये आप खाना खा रहे हैं, माशाल्लाह आप दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, अब माशाल्लाह काफी सारा अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो चूजे वगैरह होते हैं तो इनको खोलने से ये बहुत जल्दी बढ़ते हैं। ये देखो चना डाव अभी भी उन्होंने वही जगह संभाली हुई है। यार क्या करें, को समझ भी आ रही कि यार हमारी जगह अब ये है। और ये देखिए शिबी को हमने खोल दिया है, ये घास खा रही थी अभी तो। हाँ जी घास खा लें, बस कर दिए। ये देखिए इसका फंस गया, और वो देखिए वहाँ की जगह, ये अभी बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो ये देखिए इसको लॉक कर देते अभी। चलो भाई इधर आ जाओ, शिबी इधर आ जाओ, उधर की जगह को सही कर रहे हैं, और फ्योरा वो देखे बैठी हुई है, जगह को सीधा कर रहे हैं। क्या देख रही हो? ऐसे मासूम मासूम शक्ल बना लेती है जैसे इस सब के जैसा मासूम हो कोई नहीं। और ये देखे दोस्तों, ये अब यहाँ पर बैठ नहीं रहे थे, मैंने कहा चलो इसको फिर खोल देते हैं, और ये उतर के इसको वापस फिर उसी जगह पर लगा देते हैं जहाँ पर ये पहले इनकी जगह थी। ये देखिए ये दोस्तों फिर ये अपनी जगह लग गई उसकी, तो ये आप फिर जाकर बैठेंगे। और ये देखिए ये एक यहाँ पर घोंसला बना रही है, इसको उठाकर इसकी जगह पर हम यहाँ ये रख देते हैं। ये देखिए ये सही नहीं लगेगा आप, इन बेचारों के अंडे भी हो गए सारे अंदर।
ये देखे तोते कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। ये देखे दोस्तों, तो ये देखे दोस्तों ग्रीन ग्रीन के ऊपर ग्रीन ग्रीन तोता बैठा कितना प्यारा। इस बेचारे का आंख को मसला हुआ, ठहरा पता नहीं क्या है। ये इस यहाँ पर सही नहीं लग रहा था तो हमने इसको फिर हटा दिया। इसके लिए कोई जुगाड़ ढूंढता है। ये तो अभी बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर अंडा दिया तो इनको अंडा टूटे। वो देखे चल अंडा फिर अपने जगह पर जहाँ बैठे हैं। ये देखे ये अपनी जगह पर बैठ गए, इसके काम देखे। तो यहाँ की हम सफाई कर रहे हैं, तो ये देखे यहाँ की जगह को सीधा किया है भाई ने। तो ये देखे ये फ्योरा के लिए यहाँ जगह को सेट करके इसको अच्छे तरह। ये किला उतर गया क्या? हमने खुद उतार कर वहां लगा दिया अभी, लेकिन ये ख्याल करना ये अनसेव होता है, फिर भी ख्याल कर लेना। ये फ्योना है, ये बड़ी डेंजरस है, लड़की है बड़ी डेंजरस है। ये देखे देखे कैसे देखे कैसे प्यारी लग रही है। वाह क्या हुआ है? बस बस अब ज्यादा नहीं, आराम से ठहरो। तुम क्यों शोर कर रही हो शिबी? इनको धूप तो नहीं लग रही होगी, गर्मी तो नहीं हो रही होगी? ये अभी धूप लगवा रहे हैं वैसे खुद वैसे। चलो सही है, चलो आओ चलते हैं। तो अभी इन काम को अभी छोड़ देते। वो देखो रैबिट को भी खोल दिया है वैसे। हाँ रैबिट, ओए भाई ना निकलना। ये देखे चूते यहाँ पर खुश हो रहे हैं और रैबिट एक जा रही है, एक दूसरी पतली किधर गई है, एक ये है दोनों। ये है ये एक रहा, वो एक किधर किधर को ये रहा एक। और माशाल्लाह से दोस्तों हमारा मिनी जू दिन ब दिन बहुत ही अच्छा होता जा रहा है। इंशाल्लाह ऐसे दिन ब दिन और ही ज़्यादा प्यारा होता जाएगा। ये धूप लगवा रही है क्योंकि रात मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, ठंडा हो गया था, तो इसलिए ठंड हो गई थी जिसकी वजह से अब ये धूप लगवा रहे हैं। देखा अब मौसम माशाल्लाह सही है। मैंने फिर इसके चरण डब के लिए भी जगह वहीं बना दी थी। ये भी अभी धूप लगवा रहे हैं, शुक्र वो फिर अपनी जगह पर आ गई है। इसकी छत के ऊपर कोई चीज़ डालते हैं ताकि बारिश जो आए अंदर पानी ना आए। ये दोस्तों बकरियों को अब फिर खोल रहे हैं, यहाँ पर धूप आ गई थी तो इनको गर्मी हो रही थी तो इसको मैंने खोल दिया। तो अब ये देखिए ये अब ये डब हमारे यहाँ पर घोंसला बना रहे हैं फिर से। इन्होंने शायद आज मुझे लगता है अंडा लाजिम देना है तो इसलिए ये यहाँ पर घोंसला बना रहे हैं। और उसके उसका जो बेल है वो पीछे से घास उठा उठा कर इसके ऊपर रख रहे हैं। ये आज मुझे लगता है ऐसे अंडा दे देगी। ये दिया हुआ है अभी, नहीं अभी नहीं दिया इसने, ये आज दे देगी, उम्मीद काफ़ी है। ये देखें तो ये चूल्हे भी खुले हुए हैं और फियोना भी अभी यहाँ पर बैठी हुई है, सोने की जगह एडजस्ट हो रही है। हाँ जी कैसी हो? ये बस सारा दिन अभी इनको खाने के चक्करों में बैठी रहती है। ये बकरियाँ छूटी हुई हैं और इस ये हमने इनके लिए भी डब्बा लेकर आए हैं। क्या नाम है ये जो ये लव बर्ड है उनके लिए डब्बे ले आए हैं, ये इधर लगाएंगे बाद में। तो ये देखिए ये इस बेचारे का कोकड़ा मुझे लगता है बढ़ता जा रहा है। ये बस इसकी फीमेल अल्लाह करे अंडे दे दे, मैं अपने दूसरे कबूतरों के साथ रख लूं। दोस्तों ये हमने अपने करबलाई को खाना खिला रहे हैं, ये बेचारा दिन ब दिन ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है। ये देखे फ्योरा के लिए कितनी प्यारी जगह बना दी है हसनैन भाई ने। इसलिए ये देखे ये माशाल्लाह से बहुत प्यारी जगह बनी हुई है फ्योरा के लिए। ये देखे इसकी जगह पूरी ओवरऑल बन गई है, ये अब यहीं पर रहेगी। कितनी प्यारी लग रही है इस पिंजरे के अंदर, पता नहीं क्या सोच रही है। ये देखो दोस्तों ये जगह रेडी की है यहाँ बैठने के लिए, तो यहाँ पर हम बैठा करेंगे। और ये देखें ये सोना की जगह भी बहुत ही प्यारी हुई हो गई है और बाहर की भी सफाई ओवरऑल हर चीज़ माशाल्लाह बहुत प्यारी कर दिया है सुनैर भाई ने। ये देखें बकरियाँ भी अब सारी ऐसे खोल दी हैं, उसको उधर कर चलो भी अब चल फिर ले।
इसने यार अभी तक अंडा नहीं दिया, हैरत की बात है। लग तो ऐसा रहा था आज अंडा देगी, अब ये बैठी भी नहीं है, पता नहीं क्या सीन है इसका। लव बर्ड ऊपर बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे लगता है दूसरा अंडा दे दिया होगा। तो ये देखिए दूध निकाला था आज बकरी का, शिमी का। शिमी इधर आओ, नहीं वो खा रही अभी। शिमी क्या खा रही हो? ये नीचे से सारा खा जाएंगे, वैसे भी चूजे भी अब बैठे हुए पानी पी रहे हैं, ये पानी के अंदर ना गिर जाए। तो ये देखिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल शेयर बेबी विलेज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए हमें दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।